दिल्ली की प्रीत विहार पुलिस के हत्थे बुलेट राजा गैंग चढ़ा है। पुलिस ने इस सिलसिले में पवन उर्फ नींबू और राहुल उर्फ मोनू के साथ इनके नाबालिग सदस्य को पकड़ा है। इन्हें साउथ गणेश नगर निवासी प्रदीप सिंह की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। इन्हें पकड़ने के लिए एसीपी वीरेंद्र कुमार की देखरेख में प्रीत विहार एसएचओ आकाश रावत, हेड कांस्टेबल गौरव, ओम सिंह, कांस्टेबल कपिल, धर्मेंद्र और राजवीर की टीम बनाई गई थी। इनके कब्जे से एक बुलेट मोटरसाइकिल और आधा दर्जन लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि दो लोग बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते थे, जबकि एक स्कूटी पर सवार होकर उन्हें कवर करता था। पवन ड्रग का आदी है और जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने बुलेट राजा गैंग का गठन किया था। दिल्ली पुलिस के मालवीय नगर थाने के कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए न केवल लुटेरों से लोहा लिया, बल्कि दो ऐसे साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है जिनका मालवीय नगर इलाके में जबरदस्त आतंक था। लुटेरों के पीछे भागते पुलिसकर्मी की ये तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की हैं और वक्त है सुबह करीब 4 बजे का। तस्वीरों में लुटेरों के हाथ में चाकू लेकर भागते देखा जा रहा है और एक पुलिसकर्मी उनका पीछा करता नजर आ रहा है। लेकिन जब पुलिसकर्मी को लगा कि लुटेरे और उसके बीच फासला बढ़ता जा रहा है, तभी पुलिसकर्मी अपनी सर्विस रिवाल्वर लुटेरों के ऊपर तानकर उनको रुकने का इशारा करता है, जिसके बाद 3 लुटेरों में से एक रुक जाता है। लेकिन वो उल्टा पुलिसकर्मी को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसकर्मी की बहादुरी की वजह से लुटेरा पुलिसकर्मी के आगे सरेंडर कर देता है। दरअसल बुधवार सुबह करीब 4 बजे दिल्ली के मालवीय नगर थाने की पुलिस को शेख सराय इलाके में एपीजी स्कूल के पास एक ऑटो ड्राइवर से लूटपाट होने की पीसीआर कॉल मिली थी। ऑटो ड्राइवर के मुताबिक इन लुटेरों ने बुधवार सुबह कृषि विहार से एपीजी स्कूल के लिए उसका ऑटो किराए पर लिया। उसके बाद एपीजी स्कूल पहुंचने से पहले लुटेरों ने चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मालवीय नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। ऑटो ड्राइवर और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक लुटेरे जगदम्बा झुग्गी कैंप की तरफ फरार हुए थे। पुलिस ने जगदम्बा झुग्गी कैंप इलाके को घेर लिया और उसके अंदर तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद पीड़ित ऑटो ड्राइवरों ने अंधेरे में खड़े 3 लुटेरों को पहचान लिया, लेकिन लुटेरे मौके से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम के सदस्य कांस्टेबल ब्रजेश ने उनका पीछा किया। उसके बाद वही हुआ जो आपने सीसीटीवी में देखा। आगरा के ताजमहल में गुरुवार की सुबह बम रखे होने की सूचना इसी शख्स ने दी थी। इस सूचना ने देश भर में तहलका मचा दिया था। क्या था इस बम की सूचना का सच, जानिए सूचना देने वाली इस आरोपी की जुबानी। और इसके बाद आगरा के आईजी ए सतीश गणेश ने क्या कहा, वह भी जरूर सुनिएगा। पिताजी का नाम क्या है? मोहन सिंह। तुमने क्या बजे आज फोन किया? फोन सात के समथिंग किया था। क्या कहा फोन पे? मैंने कही कि पहले तो मैंने कि राम तेज हॉस्पिटल के आसपास सतर्क अलर्ट कर दो और वहाँ पर ताजमहल के आसपास वहाँ पर भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दो। मुझे कुछ शंका आ रही थी, इसीलिए मैंने ये वो कहीं बम तो नहीं लगाया। किसको फोन किया था ये? 112 पे। फिर क्या कहा भर्तियों के संबंध में? भर्ती मेरी कैंसिल हो गई, लोगों लड़कों की लड़कों की नौकरी सेना में बॉर्डर पर तैयार होते हैं करने के लिए, आप फिर मेहनत करेंगे बस, और इतना ही कहा था मैंने सर। बम कहाँ पे रखा हुआ है? बम कहाँ पे बताई थी बात, कहाँ रखा है बम? वहाँ पर ताजमहल के आसपास या रामतेज हॉस्पिटल के आसपास ही रखा था, किसी ने रखा था। ताजमहल को बम से उड़ाने वाली धमकी देने वाले व्यक्ति को अंततः आगरा रेंज के जनपद फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र नारखी से टीम के द्वारा पिक कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जो इनिशियल पुलिस की टीम का इंप्रेशन है वह ये है कि ये जो व्यक्ति जिसका नाम विमल कुमार सिंह है, संभवतः वो मानसिक उसका संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है, संभवतः वो किसी डॉक्टर के यहाँ से इलाजरत भी है। लेकिन फिर भी हम इसके सारे तकनीकी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जो हमारी सर्विलांस की टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब ये कॉल की गई थी उस वक्त उसकी कहाँ क्या लोकेशन थी, उसका फॉलोअप जो है हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है।